ये डल रहे हैं जी ऊपर से खड़े मसाले, ये देख सकते हैं मतलब देखने में मतलब कितना बढ़िया लग रहा है जी। पैटी कुलचा लगवा रहे हैं हम यहाँ पे अपना, ये देखिए भाई साहब भर भर के जो है देसी घी लगा रहे हैं भैया। और इसको पैटी कुलचा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्रिस्पी होता है। ये पुदीने की कुछ पुदीना और प्याज हरी मिर्च इसमें डाले हुए हैं। ये बन रहा है जी हमारा पैटी कुलचा। ये क्या डाला भैया? कस्तूरी मेथी। ये कस्तूरी मेथी डाल दीजिए ऊपर। और ये है इसकी स्टफिंग हरी मिर्ची, हरी मिर्च, अदरक, अदरक, गाजर, गाजर डल रही है जी, चुकंदर, चुकंदर ये लगा दिया जी इसके ऊपर अच्छे से। अच्छा काली मिर्च, अनारदाना ये डल रहे हैं जी ऊपर से खड़े मसाले। तो गाइस यहाँ पूरे अमृतसर में यही मिलता है बस, है ना, हरा धनिया पूरे अमृतसर में आपको यही मिलेगा। और ये ऊपर से डाल दिया जी हरा धनिया। और ये आप देख सकते हैं इधर पहले से जो है तैयार करवा रखा है, तो मैं आपको स्पेशली दिखाने के लिए अपना अलग लगवा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप देख सको। और ऊपर से डाल दिया जी प्याज, प्याज डल चुके हैं ऊपर से। और भी कुछ डालना है अभी अंदर, तो आप देख सकते हैं कि इतना कुछ डालने के बाद भी अभी और भी अंदर डालना है इसके बहुत कुछ। ये क्या भैया? गोभी। अच्छा ये गोभी है जी, इन्होंने घिस रखी है, कद्दूकस कर रखी है। स्वीट कॉर्न, ये स्वीट कॉर्न डाल दिए जी। स्वीट कॉर्न, मटर, मटर, स्वीट कॉर्न और सफल मटर है ना। ये देख सकते हैं मतलब देखने में मतलब कितना बढ़िया लग रहा है जी। पैटी कुलचा लगवा रहे हैं हम यहाँ पे अपना। ये ऊपर से डाल दिया जी ब्रेड क्रम। अच्छा ये स्टफिंग भी इसमें भरी जाएगी, इसमें जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं ये है जी इनकी आलू की स्टफिंग है, ये भी हमारे जो है पैटी कुलचा के अंदर जो है फिल की जाएगी बढ़िया से। और अब देख सकते हैं इसको फुली लोडेड होने वाला है क्योंकि इतना कुछ तो इसमें पहले ही डल चुका है। और अब डाल रहे हैं जिसके अंदर आलू की स्टफिंग, पूरा भर दिया, ये कर दिया जी रोल। तो भैया इसको एक अकेला बंदा खा लेता है? नहीं ये तो बड़ा है। बड़ा है बड़ा। कितना कितने, दो बंदे खा सकते हैं, दो तीन बंदे हैं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अकेले बंदे के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दो तीन बंदे आओ आराम से इसको खाओ यहाँ पे आके। पैटी कुलचा लगवा रहे हैं जी हम, आप देख सकते हैं कितने बिग साइज़ का जो है पैटी कुलचा लग रहा है यहाँ पे। अमृतसर में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ आपको मिलेगा जी राम कुलचा पॉइंट पे, आपको यहीं पे आना है। और ये जो है गोल्डन टेम्पल से बिल्कुल पास है। भैया कटिंग किस लिए करते हैं? कटिंग होगी तभी पैटी कुलचा बनेगा। अच्छा ये बन गया जी हमारा पैटी कुलचा। और अब जो है ये जाएगा सीधा तंदूर के अंदर। ये लग गया जी हमारा पैटी कुलचा अंदर। और आप देख सकते हैं और जो कस्टमर हैं उनके भी यहाँ पे नान और पैटी कुलचा लगे हुए हैं। हमारा भी लग गया साइड में, हमारा थोड़ा बिग साइज़ का क्योंकि मैं स्पेशली बनवाया है। पुदीने की, ये पुदीने की कुछ पुदीना और प्याज हरी मिर्च इसमें डाले हुए हैं अच्छे से। ये खट्टी मीठी चटनी, ये वो है क्या बिना लहसुन प्याज वाले है ना? लहसुन प्याज तो बगैर। और ये इनके मसाले रखे हैं कुछ यहाँ पे, ये कौन कौन से मसाले अंकल जी? देखो ये मसाला गरम मसाला, गरम मसाला, ये अजवाइन, जीरा, जीरा, धनिया, धनिया, अनारदाना, अनारदाना मसाला, मसाला ठीक है। तो ये आ गया जी अपना पैटी कुलचा भाई साहब, मतलब सीन बहुत गजब है, देखने में बढ़िया लग रहा है। और अब इसके ऊपर जो लगने वाला है वो है जी देसी घी। ये देखिए भाई साहब भर भर के जो है देसी घी लगा रहे हैं भैया। और इसको पैटी कुलचा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्रिस्पी होता है। पैटी कुलचा है, मट्ठी कुलचा भी आप इसको बोल सकते हो। तो वैसे आप देख सकते हैं कि पैटी कुलचा जो है हमारा लग चुका है यहाँ पे। और अंदर की जो मैं फीलिंग है एक बार आपको दिखाना चाहूँगा इसकी। और जो आप जैसे कि वीडियो में भी देख सकते हो अंदर भाई साहब इतना सारा जो है फिल किया गया है, अकेला बंदा इसको नहीं खा पाएगा, दो तीन बंदे आओ वो ख़त्म कर सकता है। और साथ में दिए जी हमें छोले जो इनके बिना लहसुन प्याज के होते हैं, और ये इनकी जो है स्पेशल वाली चटनी है। तो ट्राई करते हैं, भाई साहब क्या कुलचा बनाया। तो सर इसकी लोकेशन मेरे को एक बार बता दो बढ़िया से। आप जब आओगे ना गोल्डन टेंपल की तरफ, हाँ जी गोल्डन टेंपल की तरफ आओगे, हाँ जी वहाँ से आप जो धर्म सिंह मार्केट है, धर्म सिंह मार्केट, अच्छा धर्म सिंह मार्केट साथ ही मोती बिहार लगता है, धर्म सिंह मार्केट के साथ ही मोती बिहार लगता है। मोती बिहार के आप अंदर आओगे आपको हमारी शॉप नजर आएगी। अच्छा एंट्री करते ही फिर आपकी शॉप दिख जाएगी। और इनकी जो है
राम कुलचा पॉइंट पैटी और नान के नाम से इनकी शॉप है। आप इस मार्केट में एंटर करते हैं, जिस मर्जी से पूछ लेना कि राम पैटी वाले के पास जाना है, वो सीधा आपको इनके पास लेके आएंगे।